है तेरे दिल को पता। वो दोनों मिलकर तुम्हारे बेटे को तुमसे छीनने की कोशिश। ये हमारा पर्सनल मैटर, प्लीज स्टे अवे। फारूक, मैं तुम्हें इस तरह से परेशान और उदास नहीं देख सकती हूँ। तुम्हारी बीवी को अगर तुम्हारी इतनी फिक्र होती ना, तो शायद मैं तुम दोनों के बीच में ना होती। अब देखो ना, उमैमा एक समझदार औरत है, उसको सोचना चाहिए कि एक जवान लड़की को किसी के घर में नहीं ठहराते। अगर तुम लोगों ने उस पागल लड़की से कोई रिश्ता रखना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन फारूक प्लीज बुरा मत मानना, उमैमा की यही नीयत है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, लेकिन उस वक्त भी तुमने मुझे गलत साबित किया। हमदान मेरा बेटा है, उसकी जिंदगी का फैसला करना मेरा हक है। अगर वो ऐसा सोच रही है तो पता नहीं क्यों। मैंने खुद उमैमा को और हमदान को दोनों एक दूसरे से बात करते हुए सुना है, इसीलिए तो तुम्हें बताया मैंने, वरना ना मुझे क्या जरूरत पड़ी है। अगर वो ऐसा चाहती भी है तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं अनुषा को इस घर की बहू नहीं बनाऊंगा। ऑब्वियसली, अब देखो ना, हम लोग कितने भी लिबरल सही, लेकिन हम अपनी बेटी को कभी उतनी आजादी देंगे ही नहीं कि वो हमारी इज्जत पर पांव रखकर आगे चली जाए। लेकिन वो लड़की तो बहुत ही कोई ढीठ किस्म की है, शायद उसकी अपनी हरकतें ऐसी थी इसीलिए उसका बाप भी मर गया। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि इतने नेक और महज़ब इंसान की औलाद इतनी बेबाक कैसे हो गई। मुझे तो लगता है फारूक के एजाज भाई ने और उमैमा ने कुछ ज्यादा ही नखरे उठाए इस लड़की के, इसलिए इतनी बेबाक और मुंह जोर है। छोड़ो, इस बहस में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम नाश्ता लगवा दो, मुझे ऑफिस जाना है, पहले काफी छुट्टियां होंगी। श्योर, अभी लगा। बाबा को मौत ने मुझसे छीन लिया, हारिस को उसकी घटिया सोचना, अब तुम भी मुझसे दूर जा रही हो। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही मेरी जान, बहुत जल्द वापस आऊंगी। क्या सोचा था और क्या हो गया? मुझे हारिस से हरगिज ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहां वो तुमसे मोहब्बत के ऐसे वादे करता था कि दुनिया से टकरा जाएगा, सिर्फ एक अपनी माँ से टक्कर नहीं ले सका। मैंने अंधा एतबार किया था उसमें, मुझे पूरा यकीन था इस बात का कि वो मेरी हर बात मानेगा। मुझे अंदाजा नहीं था वो इतनी सी बात को अपनी अना का मसला बना लेगा। बहुत ही छोटी सोच थी उसकी, हालांकि उसकी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन अम्मो ने उसे बिल्कुल सही जज किया था। वो हमेशा कहती थी कि हारिस तुम्हारे मिजाज का नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें हासिल करने की तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन मैंने सुनी नहीं कभी उनकी। अम्मू की सोच बहुत गहरी है अनुषा, काश तुमने उनकी बात पे ध्यान दिया होता। ठीक कह रहे हो, मैंने कभी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। क्या हारिस ने तुम्हें कॉल की? क्यों कॉल करेगा वो मुझे, हमारे बीच अब रिश्ता है क्या? क्या पता वो पछता रहा। पछताए, सर पीटे, जहर खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। देखो, आज मैंने आखिरी दफा उसका जिक्र तुमसे किया, आइंदा कभी मेरी जुबान पे उसका नाम नहीं आएगा। मर गया हूँ। तेरे नाम की जो जिंदगी, जिसके अपने नाम की एतबार भी तोड़ा मेरा, घर खुशी भी
अच्छा मैं आती हूँ। ओके अनुषा, ड्राइवर आ गया है, दिल तो नहीं कर रहा मेरा जाने का, फिर मैं चलती हूँ। भावक आज काफी बिजी दिन था, कुछ मीटिंग्स भी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही आके आपकी खैरियत ले लूं। अच्छा किया, बताया था उन्होंने। अच्छा तो आपकी बात हुई थी उनसे फिर कॉल पे? कल रात को बात हुई थी। अब इसको क्या बताऊं, फारूक ने मुझे फोन तो करना दूर की बात, मेरा फोन रिसीव करना तक छोड़ दिया है। पता नहीं किस बात पे इतने ज्यादा नाराज हैं। वैसे मुझे लगता है तो आज वो चक्कर लगाएंगे फिर। हमदान जी कहिए। तुमने अनुषा की बात की थी फारूक से? वो नहीं कर पाया, कल रात को मैं अपने दोस्त के साथ था तो काफी देर हो गई, और फिर आज सुबह वो जल्दी निकल गए तो बात नहीं हो पाई। इट्स ओके, जब टाइम मिले तब कर लेना। जी जी। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए, और अनुषा को भी भेजती हूँ, तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठेगी तो बेहतर फील करेगी। वैसे कैसी है अनुषा? अब काफी बेहतर है। अच्छा बाय द वे, मैं भी लंच करके आया हूँ तो सिर्फ एक अच्छी सी चाय पीऊंगा। जरूर, मैं लेकर आती हूँ। आंटी को कैसे बताऊं कि जो बाबा ने कहा है, तो पहले ही दुखी है, इतनी परेशान है, बस अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। अनुषा जी। अनुषा बेटा हमदान आया है। तो मैं उसके लिए जरा चाय बनाने जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर उसके पास बैठ जाओ। नहीं अम्मो, आई एम सॉरी, मेरा उससे क्या ताल्लुक है, मैं नहीं बात कर सकती उससे, आपके ससुराली हैं, आप मिल लें। बुरी बात है अनुषा, वो हमारी खैरियत पूछने आया है, मेहमान समझ के मिल लो। अम्मो मैं आपके किसी फैमिली मेंबर से कोई बात नहीं कर सकती, मुझे प्लीज फोर्स मत। ठीक है रेस्ट करो। दांत निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ आई? मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही हूँ, आंटी से मिलने के लिए आ रही हूँ। तुम कौन सा हमेशा के लिए आ रही हो? आ जाऊंगी, हमेशा के लिए भी आ जाऊंगी। तुम्हारी अम्मी की बातों से अभी तक बहुत डरी। अच्छा कौन कह रहा है तुमसे कि तुम इन सारी बातों को सोचो, इनको मत सोचो, निकाल दो अपने दिमाग से, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, भरोसा है ना मुझ पर? अनुषा अम्मी ना दिल की बहुत साफ है, मैं सब बातें कह दूँ। दिल की तो मैं भी बहुत साफ, जो दिल में होता है वही जबान पर होता है। तुम्हारी अम्मी और मेरे बीच में आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इस वजह से। I promise ऐसा कुछ भी नहीं। हारिस, छोड़ा है अपनी आंटी को? जी अब तो फ्लाइट भी उड़ गई होगी, हमारी फ्लाइट भी कंफर्म है कल की। गुड, ये बताओ पैकिंग हो गई तुम्हारी? जी। और मैनेजर से मिल लिए? जी मैं गया था उनके पास, उन्होंने कहा है वो थोड़ी देर में आएंगे, मिलेंगे आपसे। मम्मी भूख लगी है, खाना प्लीज लगवा दें।
तुम जानते हो तुमने कितने अरसे के बाद खुद से खाने के बारे में कहा है। So happy for you. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब तुम अपनी जिंदगी की तरफ दोबारा से लौट रहे हो। कोशिश कर रहा हूं। मैं चलता हूँ जी। हमदान प्लीज अनुषा की बात का बुरा मत मानना। एक्चुअली बहुत अपसेट है, ना किसी से मिलती है, ना बात करती है, ना बाहर जाती है। मैं तो खुद चाह रही थी कि अच्छा हुआ तुम आ गए, शायद तुम्हारे साथ बैठेगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। देखिए आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड और आपको किसी भी किस्म की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि वो किस फेज से गुजर रही है, बट खैर आप ये चाय बहुत अच्छी थी और किसी भी किस्म की आपको जरूरत हो मैं हाजिर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अपनों के लिए किस बात का शुक्रिया, और खैर मैं इसे अपना फर्ज समझता हूँ और जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों की मदद करूँगा। जरूर पूछूंगा, आओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। अरे शाद ने जो मुझसे कहा था करने के लिए तो काम मैं भूल ही गई। ऐसा करती हूँ कि अभी बात करती हूँ और ड्राइवर को अभी भिजवा दूंगी ताकि वो सारा सामान लेकर आ जाए। चले गए आपके मेहमान? हाँ चले गए। अम्मो I'm sorry, मुझे आपसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। It's okay. पता नहीं अम्मो ये फारूक अंकल के घर वाले ना मुझे बहुत रूठ लगते हैं। हमदान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत अच्छा लड़का है, खुश मिजाज, सादा तबीयत का। और तुम्हें पता है उस घर में अगर फारूक के अलावा मुझे कोई सपोर्ट करता है तो वो सिर्फ हमदान है। यकीनन आप ठीक कह रही हैं, आप बेहतर जानती हैं। बस दिल में एक बात थी तो कह दी। किसी को करीब से जाने बगैर उसके बारे में राय कायम करना आई थिंक इट्स अनफेयर। हाँ युसरा के लिए तुम ये जरूर कह सकते हो क्योंकि वो बदमिजाज है, थोड़ी मुंह फट है। वो भी मुझे लगता है कि रायना की कंपनी में रहने की वजह से वो ऐसी हो गई है, किसी को खाते में नहीं लाती। लेकिन हमदान ऐसा नहीं, वो बहुत स्वीट है। कौन है? हारिस की अम्मी का फोन। क्यों कॉल कर रही हैं? मुझे क्या पता, वो काम होगा। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। वो तो ठीक है लेकिन यकीनन कोई जरूरी बात होगी जब ही कॉल कर रही है। ठीक है उठा रही, लेकिन एक बात सुनिए, एक बात जरूर बोल दीजिएगा, आज तो कॉल कर ली, आइंदा ना करें। अच्छा मेरी माँ बात तो करने दो। हेलो आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे। कहिए। वो बरी में जो मैंने दो भारी सेट दिए थे वो अभी तक आप लोगों के पास है? जी बिल्कुल है। उन दो सेट्स के अलावा 12 चूड़िया और 2 कंगन भी थे, आप मुझे वो वापस भिजवा दीजिए। जी बिल्कुल भिजवा देती, लेकिन घर पे कोई ऐसा है नहीं जिसके हाथ इतना कीमती सामान भेजूं, तो अगर आप उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं ड्राइवर भेज दूंगी, उसे दे दीजिएगा। जी जी आंटी बिल्कुल। सिर्फ ज्वेलरी नहीं आंटी, बल्कि कुछ ब्राइडल ड्रेसेस भी हैं, और हाँ कुछ गिफ्ट भी हैं जो आपके बेटे हारिस ने मुझे दिए थे, मैंने आज तक यूज भी नहीं किया। मैं सारा सामान आपको भिजवा दूंगी, आप लोगों की एक एक चीज गिनकर भेजेंगे हम लोग, आप बस ड्राइवर को टाइम पर भेज दीजिएगा। ओके दिमाग लड़की, इतना सब कुछ हो गया लेकिन दिमाग सातवें आसमान पर है इसका, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। घटिया लोग। अनुषा अच्छा तो है ना, जब उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना तो उनका सामान अपने पास रख के क्या करेंगे, भेज दो। मैं सारी चीजें निकालती हूँ, पकड़ी हूँ।
मुझे फोन करना चाहिए इससे। नहीं, फोन करने की बजाय मुझे खुद उसके पास चले जाना चाहिए। वो मीटिंग का क्या बना? अटेंड क्यों नहीं की तुमने? मुझे लगा मेरी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, आप थे ना वहां। मैं फॉरवर्ड कर दूंगा साजी से ब्रीफिंग दे देना। जी। वैसे थे कहां? मैं आंटी की तरफ गया था। मेरा ख्याल है कि हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे पूछें किसी चीज की जरूरत है कि नहीं। अकेली है वो तो। मतलब मेरा ख्याल है कि तुम इस पखेड़े से दूर, मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है, अगर आप चले जाते तो शायद मेरे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिकायत की है उसने? वो ऐसी नहीं है, और शायद मुझसे बेहतर ये आपको पता होना चाहिए। एक बात नोट की मैंने, तुम उन लोगों की कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रहे हो। बाबा वो लोग नहीं, वो आपकी बीवी हैं, और मैं उस रिश्ते का एहतराम कर रहा हूं जो आपने जोड़ा उनसे। और अगर आपको नहीं पसंद कि मैं वहां जाऊं तो मुझे बता दीजिए, आइंदा नहीं जाऊं। ये ले, एक दफा आप भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि कोई चीज रह जाए और फिर कल को आगे खड़ी हो जाए कि हमारा फलां चीज तो दी नहीं, ये तो दिया ही नहीं, वो तो दिया ही नहीं। देख लेंगे भी। उनके बारे में वैसे ही मेरी कोई खास अच्छी राय नहीं थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि अपने दिए हुए तोहफे ही वापस मांग लेंगे। यकीन नहीं आ रहा मुझे, इतने तंग दिल, इतनी तंग नजर लोग हैं। अफसोस, जिन लोगों का ईमान सिर्फ दौलत होती है ना, उनके लिए रुपया, पैसा, जेवर सिर्फ ये चीजें मायने रखती हैं और कुछ मायने नहीं रखता। उनको एहसास ही नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा जुल्म कर दिया। एक लड़की को दुल्हन बना छोड़कर चले गए और फिर मजलूम खुद बन रहे हैं। हद हो गई। दफा कर, हारिश शायद मेरे काबिल था ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, और वक्त आने से पहले अल्लाह ने मुझे उसकी असलियत दिखा दी। ये थोड़ा सा सोना, शायद उनके लिए इसकी अहमियत भी नहीं होगी कोई, लेकिन इसे वापस मांग कर ना अपनी रही सही इज्जत भी खत्म कर ली। अपने बेटे की दूसरी शादी करनी होगी, वहीं पे दे देंगे ये दोबारा फिर से। लेकिन अम्मू, आप मेरी फिक्र बिल्कुल ही मत करें। मेरे दिल में अब हारिस के लिए सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं। दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरा इंतखाब कितना गलत है। ये किसका सामान है, कोई आया है क्या? नहीं साहब जी, अनुषा बीबी के घर से लाए। अनुषा के घर से? जी हाँ, बेगम साहब ने कहा था मेरा माँ को सामान पड़ा है, जाके ले आओ। क्या? अम्मी ये कौन सा सामान आपने मंगवाया है? बताती हूँ। ड्राइवर ये सामान लो और रूम में रख कर आओ, चलो। ठीक है बेगम साहब। अच्छा बैठो, बैठो ना बेटा। क्या है? देखो उमायमा का फोन आया था, कह रही थी कि जो सामान आपने दिया है मैंने पैक कर दिया, अब वापस मंगवा लें। उनसे कहा कि भाई वो तो तोहफे तहाइब थे और तोहफे देने के बाद वापस नहीं लिए जाते, तो कहने लगी कि अनुषा को इनमें से कोई चीज नहीं चाहिए, अगर आप नहीं मंगवाएंगी तो मैं किसी के हाथ भिजवा दूंगी। तो अम्मी आप मुझे बताती ना, मैं बात करता उनसे।
वही तो हारिस, मैंने कहा था उनसे कि मैं हारिस से बात करने के बाद ही आपको जवाब दूंगी, तो कह दिया कि आप हारिस से बात करें या किसी और से, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और ये जो सामान है ये हमारे लिए एक कचरे की तरह से, और कचरे को घर में नहीं रखा जाता। आप बताओ, इसी दौरान अनुषा ने फ़ोन छीन लिया और कहने लगी कि आपके घटिया बेटे से मेरा कोई लेना देना नहीं, और ना ही मुझे उसके दिए हुए तोहफे चाहिए। अच्छा होगा ये तोहफे आप अपनी होने वाली बहू को दे दें। अब मैं क्या करूं बेटा? हारिस, अरे मेरी बात सुनो बेटा, हारिस। समझता क्या है खुद को इडियट? होगा कहीं का प्रिंस, माय फुट, मैं किसी से कम हूं क्या? अरे तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? बस वही करने जा रही थी। चलो तुम शावर ले लो, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं नहीं, खाने का कोई खास मूड नहीं है। खाने का जब सुनोगी ना तो मूड हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा फेवरेट बना है लज़ानिया और चिकन चीज नगेट्स। अच्छा, ऐसी बातें तो मैं फौरन चेंज करके आती। वो बाबा आ गए? नहीं भाई, वो तो मैमा के साथ डिनर करके आएगा, हमदान ने बताया मुझे। क्या हो गया है? आपने तो बताया था कि उनके दरमियान क्लैश हो गया है, यहाँ तो डिनर्स चल रहे हैं। ये जो मैमा है ना, बहुत चालाक औरत है, मना लिया होगा फारूक को। वो अनुषा इस घर में आ गई ना तो बहुत बुरा हो जाएगा आंटी। I just hate that girl। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अगर उमैमा को लगता है ना कि वो होशियार है, फिर होशियारी मुझे भी आती है। Don't worry, तुम्हें लेट डाउन नहीं होने दूंगी। अब जल्दी आओ, खाने पे वेट कर रही हूँ तुम्हारा। कैसे पूछूं उनसे कि अनुषा के बारे में इन्होंने क्या सोचा है, क्या फैसला किया? पता नहीं अपना फैसला बदला है कि नहीं, क्योंकि मैं तो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। चल गरम कॉफी। वाह भाई, अब लेकिन ये तुमने क्यों बनाई है? वो कौसर का है? क्या मतलब? कौसर और मेरी कॉफी में बहुत फर्क है। खुद बनाई थी इसलिए खुद ही ले आई। अच्छा, और ये इनकलाब कैसे आया आज? मेरा मूड हो रहा था यार। अच्छा आप पी के बताएं कैसी बनी है। अच्छी है भाई, बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना। वैसे ये तारीफ मुझे बटरिंग क्यों लग रही है? बेटा ये बटरिंग नहीं, मेरी छोटी बहन ने मेरे लिए बड़े प्यार से बड़े दिल से कोई चीज बनाई है, उसकी तारीफ तो बनती है ना। अच्छा तो बिल्कुल तारीफ कीजिए ना, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई इनामी रकम भी होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? अब मैं नहीं मांग रही, अगर आप अपनी खुशी से अपनी मर्जी से देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, अब मुझे समझ आई ये इनकलाब कैसे आया। लो भाई, बनते तो हैं पैसे, अच्छी चीज बनाई है। बियर। वैसे बाबा चाहे जितने भी पैसे देते, आपसे जो वसूली का मजा है ना वो अलग ही है। आज तो दोनों बहन भाई में बड़ा प्यार आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए।
प्रोड्यूसर और हमदान में फासला बढ़ाना जरूरी है ताकि कभी किसी मोड़ पर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट ना कर सकें। इनको डिवाइड करके ही मैं इस घर पे रूल कर सकती हूँ। क्या कर रही थी? क्या करूंगी मैं? आपका इंतजार। वाकई ये वक्त आपके बिना कैसे गुजरा सिर्फ मैं ही जानती। सॉरी यार, ऑफिस में बिजी था। बहुत शदीद भूख लग रही है। खाने में कुछ है? बनाया कुछ? मुझे पता था आप ऑफिस से आएंगे और भूख लगी होगी। मैंने आपकी पसंद का कोरमा और बिरयानी बनाई। अरे वाह, इससे तो भूख और चमक गई। तो बस आप बैठे, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। नहीं, मैं सर फ्रेश हो जाऊँ थोड़ा सा। हाँ हाँ, आप मेरे रूम में चले जाए। कैसे पूछूं इनसे कि अनुषा के बारे में इन्होंने क्या सोचा है, क्या फैसला किया है? पता नहीं अपना फैसला बदला है कि नहीं। हाय हमदान जी। हेलो, कहाँ होते हो तुम? आजकल नजर ही नहीं आते। कुछ नहीं, बस ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही रूटीन है जिंदगी। तुम बोर नहीं हो जाते हो वही सेम ओल्ड रूटीन से? Not really, पर जिम्मेदारी ये है, काम भी यही करना है, फिर बोर क्यों? अरे भाई, अपने फ्रेंड्स के पास जाया करो। तुम्हारी उम्र के लड़के कितना सोशलाइज करते हैं, तुम तो बिल्कुल ही कहीं नहीं जाते हो। जाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही दोस्त है, उससे अच्छी दोस्ती है, तकरीबन रोज उससे मुलाकात हो जाती है। लेकिन असल बात पता क्या है, आपका और मेरा मिजाज मिलता नहीं। जानती हूँ इस मामले में तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए। अल्लाह का शुक्र। मुझे तो आंटी बहुत एंजॉय करवाती हैं। हमने मूवी भी देखी थी ना, अच्छी सी है ना? मुझे लगता है मैं भी तो आंटी जैसी हूँ, है ना भाई? वो तो मैं देख रहा हूँ कि तुम आहिस्ता आहिस्ता आंटी के रंग में रंगती जा रही हो। तो इसमें बुराई क्या है, अच्छा है ना? मैं तो वो औरत हूँ जो हर हाल में खुश रहती है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अनुषा, अनुषा फारूक आए। अच्छा, मैंने ना डाइनिंग टेबल पे खाना लगाया, आओ साथ खा लेते हैं। मैं, मुझे भूख नहीं है, आप दोनों खा लो। साथ खा लोगी तो फारूक को अच्छा लगेगा, एटलीस्ट उन्हें ये फील नहीं होगा कि तुम उनसे नाराज हो। उनका मूड भी आज काफी अच्छा है। अम्मू, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। मैं भला क्यों नाराज होंगी उनसे? तो फिर ठीक है ना, आओ ना साथ खाना खाते हैं। अच्छा मैं आ रही हूँ, आप टेंशन मत लो। मुझे लगता है भाईजान के जाने के बाद मेरी अनुषा काफी समझदार हो गई है। जब सर पर छत ना रहना तो इंसान बारिश और धूप से बचने के तरीके सीख लेता है। चलिए मैं। मजा आ गया खाना खा। सच्ची? तो और क्या, अच्छा अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन करके बता देना, मैं कर लेता हूँ। नहीं नहीं, सब कुछ है। भाईजान ने काफी सारी ग्रोसरी कर ली थी, शायद उन्हें पता था कि वो चले जाएंगे तो हम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए शायद। खैर अनुषा, क्या बात है, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया और लिए चाय भी नहीं बनाई। खा लिया था अम्मू, चाय पीने का दिल नहीं कर रहा था। अरे भाई, शाम में तुम दोनों बाहर चले जाया कर, जरा घूम लिया कर, दिल बहल जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सही कह रहे हैं, कल लेके जाती हूँ इसको अपने साथ। अम्मू मैं आती हूँ।
ऑफिस कैसे चल रहा? हाँ, सही है। और घर में सब लोग कैसे हैं? घर में भी सब ठीक ही है। इस वक्त मुझे इस मौजू को नहीं छेड़ना चाहिए। माहौल खुशगवार है, उमामा का मूड अच्छा है। मेरा ख्याल है कुछ दिन इग्नोर करता हूँ इस जिक्र को। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, घर नहीं चल। जब आप कहें। मैं अभी कुछ दिन और रुक जाइए, फिर चलेंगे। लेकिन एक शर्त है। अच्छा, क्या? कि आप रोज आना, घर आया करेंगे और मेरे साथ डिनर करेंगे। यार ये वादा करना जरा मुश्किल है। आपको पता है कि मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, तो रात में डिनर युसरा के साथ करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक काम हो सकता है, कभी लंच हम साथ में कर लेंगे, कभी कभार डिनर, और फिर शाम की चाय तो है ही। ठीक है, मुझे मंजूर। युसरा कैसी है? हाँ ठीक है। सभी ले आया करें साथ। अरे भाई, वो मुझसे ज्यादा रायना के साथ एंजॉय करती है। फिर मैं सोचता हूँ अगर वो खुश है तो ठीक है। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती। अच्छी बात है कि रायना युसरा से बहुत मोहब्बत करती है, उसका बहुत ख्याल रखती है। लेकिन युसरा आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसे टाइम देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए उसकी क्या गैदरिंग है, कहाँ आती है, कहाँ जाती है। मुझे पता है कि वो रायना के साथ या तो क्लब में जाती है या फिर शॉपिंग के लिए, और क्लब में जितने भी लोग हैं मैं उन सबसे वाकिफ हूँ। ये तो अच्छी बात है। बस मुझे लगता है कि रायना और युसरा की उम्र में बहुत फर्क है, तो रायना की गैदरिंग में युसरा का जाना कुछ समझ नहीं आता। जैसा चल रहा ना वैसा चलने दो, ना मेरे पास टाइम है और ना ही हमदान के पास। अगर वो रायना के साथ खुश है तो मैं उससे क्यों अलग करूं? उससे बस खुश रहे। सही। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। घर पहुंच के फोन कर दीजिएगा मुझे। हाँ हाँ कर लूंगा। अपना ख्याल रख। जरूर। हारिस, तुम अभी तक जाग रहे हो? बस यूं लेटा हुआ था। और ये बताओ कि तुम्हारी पैकिंग कंप्लीट हो गई कि नहीं? नहीं, वो थोड़ी सी रहती है। तो बेटा जल्दी से पैकिंग कर लो ना, 2 बजे हमें निकलना है, और थोड़ा रेस्ट भी कर लो। जी। अच्छा मैं करा देती हूँ ना? नहीं, आप क्यों परेशान हो रही हैं, मैं कर लूंगा। ये फोन क्यों ऐसे पड़ा तुम्हारा? नहीं वो बस यूं ही। हारिस देखो बेटा, जिंदगी में हमें कई बार खुद से लड़ना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि उस बेवफा लड़की की वजह से ना तुम बहुत दुख में हो। क्या मेरा यकीन करो बेटा, तुम फ्यूचर में बहुत सी प्रॉब्लम से बच गए हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा तुम रेस्ट करो हाँ, और सो जाना। तेरे दिल।